हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी कॉर्नर। और व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम करियर एनालाइज करने जा रहे हैं डियाना पेंटी का। डियाना पेंटी ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी कॉकटेल से किया था। और डियाना पेंटी अब तक कितनी मूवीज में काम कर चुकी हैं, कितनी हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, आज की इस वीडियो में हम यही डिटेल आप व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो चले व्यूअर, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। डियाना पेंटी की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी का नाम है कॉकटेल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था होमी अदाजानिया ने। फिल्म की लीड कास्ट में दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान, डियाना पेंटी, डिंपल कपाडिया, बमन ईरानी और रणदीप हुडा शामिल थे। यह फिल्म 13 जुलाई 2012 को रिलीज हुई थी। कॉकटेल एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.3 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 53 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में 71 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 122 करोड़ 99 लाख और बॉक्स ऑफिस पर डियाना पेंटी की डेब्यू मूवी कॉकटेल एक हिट फिल्म साबित हुई थी। मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हैप्पी भाग जाएगी। इस फिल्म की लीड कास्ट में डियाना पेंटी, अभय देओल, जिमी शेरगिल, अली फजल और मोमर शेख शामिल थे। और यह फिल्म 19 अगस्त 2016 को रिलीज हुई थी। हैप्पी भाग जाएगी एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.5 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 20 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में 28 करोड़ 82 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 39 करोड़ 15 लाख और बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। रंजीत तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी लखनऊ सेंट्रल। फिल्म की लीड कास्ट में फरहान अख्तर, डियाना पेंटी, वीरेंद्र सक्सेना, दीपक दुबरियाल, रोनित रॉय और गिप्पी गरेवाल शामिल थे। और ये फिल्म 15 सितंबर 2017 को रिलीज हुई थी। लखनऊ सेंट्रल एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.2 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 30 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ 57 लाख से कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 17 करोड़ 93 लाख और बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। अभिषेक शर्मा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी परमानो द स्टोरी ऑफ पोखरान। फिल्म की लीड कास्ट में जॉन अब्राहम, डियाना पेंटी और बमन ईरानी शामिल थे। यह फिल्म 25 मई 2018 को रिलीज हुई थी। परमानो द स्टोरी ऑफ पोखरान एक एक्शन ड्रामा हिस्ट्री मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.8 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 44 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में 65 करोड़ 89 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 91 करोड़ 17 लाख और बॉक्स ऑफिस पर परमानो एक हिट फिल्म साबित हुई थी। मुदस्सर अजीज की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हैप्पी फिर भाग जाएगी। फिल्म की लीड कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा, डियाना पेंटी, जिम्मी शेरगिल, अली फजल, पीयूष मिश्रा और जेसी गिल शामिल थे। और ये फिल्म 24 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी। हैप्पी फिर भाग जाएगी एक कॉमेडी मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.5 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 30 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में 20 करोड़ 18 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 32 करोड़ 25 लाख और बॉक्स ऑफिस पर हैप्पी फिर भाग जाएगी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। अगस्त 2019 को रिलीज होने वाली मूवी खानदानी शवाखाना में डियाना पेंटी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। कुणाल देशमुख की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी शिद्दत। इस फिल्म की लीड कास्ट में सनी कौशल, राधिका मदान, मोहित रायना, डियाना पेंटी शामिल थे। और यह फिल्म 1 अक्टूबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जरिए ऑनलाइन स्ट्रीम की गई थी। थिएटर्स पर यह फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। शिद्दत एक रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 8.3 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 15 करोड़ और इस फिल्म की डील 20 करोड़ में हुई थी। रोशन एंड्रयूज की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सल्यूट। फिल्म की लीड कास्ट में दुलकर सलमान, डियाना पेंटी और मनोज के जैन शामिल हैं। मलयालम लैंग्वेज की ये मूवी 17 मई 2022 को सोनी लिव के जरिए ऑनलाइन स्ट्रीम की गई थी। थिएटर्स पर यह फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। सल्यूट एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है जिसे IMDb 10 में से 7.4 स्टार दिए गए हैं। फिल्म का बजट था 50 करोड़ और इस फिल्म की डील 65 करोड़ में हुई है। और यही एज एन एक्ट्रेस डियाना पेंटी की अब तक रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। तो व्यूअर, डियाना पेंटी की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्म का नाम है अद्भुत। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सबीर खान। फिल्म की लीड कास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डियाना पेंटी, श्रेया धन्वंतरे, रोहन मेहरा शामिल हैं। और ये फिल्म 2022 में रिलीज के लिए प्लान की जा रही है। तो फ्रेंड, यह था हमारा आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने डियाना पेंटी का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज किया। डियाना पेंटी की इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज है, कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा।
तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।